नमस्कार, पॉइंट टू पॉइंट देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रीना झा बालियान। आज पॉइंट टू पॉइंट में खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं यमुनोत्री से बीजेपी विधायक केदार सिंह रावत जी। केदार सिंह रावत जी का राजनीतिक सफर काफी लंबा रहा है, अच्छा रहा है। तजुर्बेकार ये नेता माने जाते हैं और साथ ही पढ़े लिखे विधायकों में भी इनकी गिनती होती है। सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। सर, आप यमुनोत्री से विधायक हैं। सबसे पहले मेरा सवाल यही कि आपके विधानसभा क्षेत्र में कितना काम आपने करवाया है और आप क्या अपने काम से संतुष्ट हैं? देखिए, अभी लगभग पौने दो साल का जो है ये समय हुआ है जी। सरकार को बने हुए, चुनाव परिणाम आए हुए, और मैं अभी तक अपने काम से और अपनी सरकार के काम से बहुत संतुष्ट हूँ, क्योंकि मैंने दो दौरे जो है अपनी विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री जी के लगवाए हैं, और उससे पहले भी माननीय मुख्यमंत्री जी के जब दौरा उत्तरकाशी जनपद मुख्यालय पे हुआ था 2017 में, उस समय भी जो है मैंने अपने विधानसभा क्षेत्र की काफ़ी विकास के कार्यों की घोषणाएं करवाई थी जी। तो मैं समझता हूँ कि पहाड़ में सड़क जो है प्राथमिकता है आवागमन की सुविधा के लिए, तो सड़कें मैंने लगभग 32 सड़कें जो है उसकी घोषणा करवाई हैं, और लगभग 8 से 10 सड़कें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में डामरीकरण की और कुछ नई कटिंग की वो स्वीकृत हुई हैं। तो मैं समझता हूँ कि इन दो लगभग पौने दो वर्षों के कार्यकाल में ये जो लगभग 38-40 सड़कें हैं PMGSY की और राज्य सेक्टर से मिलकर के जो स्वीकृत हुई हैं, घोषित हुई हैं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है अपने आप में। ठीक है, आपकी गिनती पढ़े लिखे विधायकों में होती है, पढ़े लिखे नेताओं में होती है। शिक्षा को लेकर अगर हम बात करें तो आपने अपने क्षेत्र में शिक्षा को लेकर क्या कुछ कदम उठाए हैं? देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में मेरे क्षेत्र में जो है 3 राजकीय महाविद्यालय जी और इंटरमीडिएट कॉलेजेस हैं, GGICs हैं, बेसिक और जूनियर स्कूल्स हैं। तो मैंने प्राथमिकता से एक तो सारे हाई स्कूल और इंटरमीडिएट कॉलेजेस जितने भी हैं उसमें मेरा प्रयास ये रहा है कि छात्रों को बैठने के लिए फर्नीचर की सुविधा जो है उपलब्ध करवाई जाए। तो लगभग सारे हाई स्कूल और इंटरमीडिएट कॉलेजों में मैंने फर्नीचर और कंप्यूटर, ये दोनों चीज़ें जो है उपलब्ध कराई हैं। और जहाँ तक प्राथमिक शिक्षा की बात है, जो प्राथमिक विद्यालय हैं और उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं, जूनियर हाई स्कूल, उसमें मैंने शिक्षण सामग्री के तौर पर, क्योंकि ये देखा गया है कि जो गरीब तबके के लोग हैं वही सरकारी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजते हैं। ज़्यादातर लोग जो निजी स्कूल, प्राइवेट स्कूल खुल गए हैं उसमें बच्चों को भेजते हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो निजी स्कूलों में पढ़ा सकते हैं वो उनको जो अन्य उनका खर्चा है उसको भी वहन कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं। तो मैंने प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए शिक्षण सामग्री और बस्ते, जो छात्रों को बस्ते दिए जाते हैं, वो प्रत्येक छात्र को जो है उपलब्ध कर। ठीक है, आपने ये कहा था और ये वादा भी किया था, लेकिन आप जैसा कि कह रहे हैं कि आपने ये वादा पूरा किया है, लेकिन अगर अभी भी हम हकीकत को देखते हैं, सच्चाई को देखते हैं, तो नजर आता है कि आज भी टाट पट्टी में बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं। मेरे क्षेत्र में अभी जो प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं कुछ में जो है टाट पट्टी पर पढ़ने को भी मजबूर हैं, लेकिन मैं अभी जो दूसरे चरण का इस वर्ष का जो 19-20 का जो मेरी विधायक निधि होगी उसमें मैं प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों को फर्नीचर के लिए प्राथमिकता के आधार पर लेने जा रहा हूँ। तो कुछ तो मैं निजी स्कूलों में भी दे रहा हूँ, मदद कर रहा हूँ, और सबसे पहली प्राथमिकता मेरी सरकारी स्कूलों के मदद करने की है। ठीक है, तो ये समस्या कब दूर की जाएगी सर? क्योंकि देखिए, अगर हम विधायक निधि की बात करते हैं तो वो पूरी तरीके से आप लोग खर्च नहीं कर पाए हैं। नहीं, जहाँ तक मेरी बात है, अगर 20-30% माना जा रहा है कि विधायक निधि आप लोग खर्च कर चुके हैं अभी तक। नहीं, जहाँ तक मेरी बात है मैं तो 100%, क्योंकि अपने स्तर से जी। अपने स्तर से देखिए, ऐसा है जो 17-18 की विधायक निधि है और 18-19 की विधायक निधि है, तो 17-18 के तो 100% में जारी कर चुका हूँ,
अपने उससे। लेकिन जैसे कि आपने बताया कि टाट पट्टी में अभी भी स्कूलें चल रहे हैं, तो फिर उसे कब दूर किया जाएगा? क्योंकि देखिए, ये उम्मीद की जाती है कि अगर हमारा विधायक पढ़ा लिखा है और एक अच्छा विधायक है, क्योंकि आपकी अच्छी भूमिका भी रही है विधानसभा क्षेत्र में, आप दौरे भी करते रहे हैं, लोगों से भी आप रूबरू होते हैं, अगर हम पढ़ाई की बात करें तो आप LLB भी कर चुके हैं, वकालत भी आप कर चुके हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उम्मीद की जाती है कि अगर एक पढ़ा लिखा विधायक क्षेत्र को मिल रहा है तो क्षेत्र में एक शिक्षा के स्तर में अच्छा काम। निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। मैंने पहले ही आपसे कहा कि मैंने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट और जो महाविद्यालय हैं तीनों मेरे क्षेत्र में, उनको जो है कंप्यूटर्स और उससे फर्नीचर से सैचुरेट किया, और जो प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं उसमें अध्ययन सामग्री दी है, फर्नीचर्स नहीं दिए। तो आपका जो प्रश्न है वो है टाट पट्टी से संबंधित, और टाट पट्टी जो है ज़्यादातर प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में जो सरकारी है उसमें मैं ये वर्ष 19-20 की विधायक निधि में उनको सैचुरेट कर दूंगा, ये मैं आपसे सार्वजनिक तौर पर कह रहा हूँ। ठीक है, वादा भी करते हैं। वादा भी। चलिए, आप चकबंदी समिति के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, और अगर चकबंदी को लेकर बात की जाए तो कितना काम इस क्षेत्र में हुआ है और क्या किसान खुश है? क्योंकि बार बार किसानों की जब बात आती है तो उनकी नाराजगी सामने आ जाती है, बार बार सरकार पर वो आरोप लगाते हैं, तो ऐसे में चकबंदी को लेकर स्पेसिफिकली अगर बात करते हैं तो कितना काम हुआ है? देखिए, चकबंदी का काम जो है, चकबंदी जो अधिनियम है, कानून था, वो उत्तर प्रदेश के समय से है और उत्तर प्रदेश का ही कानून यहाँ पे प्रवर्त हुआ। लेकिन जो उत्तर प्रदेश में जो हमारे जो मैदानी क्षेत्र हैं उनकी भौगोलिक परिस्थितियाँ अलग हैं और पहाड़ी क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थितियाँ बिल्कुल भिन्न हैं। तो उत्तर प्रदेश के समय में जो कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग एक्ट था उसमें कई विवाद जो है उत्पन्न हुए और पीढ़ियाँ की पीढ़ियाँ जो है सुप्रीम कोर्ट तक जो है लोग गए, क्योंकि जो अधिकारी थे, कंसोलिडेशन ऑफिसर्स थे, वो जा कर के जो प्रभावशाली किसान होते थे गांव के, उन प्रभावशाली किसानों के प्रभाव में आकर के उनके हिसाब से चक बना देते थे। नतीजा उसका ये निकलता था कि कंसोलिडेशन ऑफिसर के यहाँ लिटिगेशन शुरू हो जाता था, आपत्तियाँ फिर जो है वो जिला जज के यहाँ गई, फिर हाई कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट गई, तो किसानों की पीढ़ियाँ जो है उसमें तबाह हो गई लिटिगेशन में, और कई लोग तो जो है फिर मजबूरी बस जो है उनको गलत चक भी जो है वो संभालने पड़ गए। तो वो स्थिति जो है पहाड़ में बिल्कुल भिन्न परिस्थिति है, और पहाड़ की भिन्न परिस्थिति इसलिए कि पहाड़ में कई किस्म की जमीन, हमारी जो जहाँ छानियाँ बनी हैं पहाड़ में ऊपर, जहाँ पे बरसात के मौसम में जो है लोग रहते हैं, वो वहाँ की ज़मीन अलग है, उखड़ जमीन अलग है, तलाव जमीन सिंचाई की अलग है, और 3-4 प्रकार की हमारी ज़मीनें हैं और बिखरी हुई जोतें हैं, तो वहाँ पे हम एक किस्म का कानून ला करके एक ही डंडे से सबको नहीं आ सकते। अगर आपके क्षेत्र की बात की जाए तो आपने अपने क्षेत्र में एक ऑडिटोरियम तैयार करवाया है, ऑडिटोरियम का आपने सपना देखा था जो कि 2001 में पूरा नहीं हुआ, तो आपने इसे अपने विधायक निधि से अब पूरा करवा दिया है। आपने ये कहा कि एक प्लेटफॉर्म जो है वहाँ के स्थानीय कलाकारों को देने का काम ये ऑडिटोरियम करेगा, उसके बाद कैसा फीडबैक आपको मिल रहा है? नहीं, बढ़िया है। अभी जो ऑडिटोरियम हमारे जिला मुख्यालय पे बना है तो उसमें एक तो जो उत्तरकाशी जो शहर है, छोटा ही शहर है, जिला मुख्यालय, तो वहाँ पे कोई उत्तरकाशी के पहाड़ में जो है सिनेमा हॉल ही नहीं। अब जो सिनेमा हॉल के माध्यम से बच्चों को या समाज को जो इस तरह के कुछ शिक्षाप्रद मूवीज से जो है कुछ शिक्षा मिल सकती है, वो वहाँ पे वो वातावरण नहीं मिल पा रहा था। अन्य भी जो कला और संस्कृति के क्षेत्र में हम कोई प्रदर्शन करना चाहते हैं अपने छोटे शहर में, कस्बे में, जिला मुख्यालय में, तो वो जो है कलाकारों को भी जो उचित मंच नहीं मिल पाता था, तो उसके लिए ये विधायक निधि के माध्यम से ये ऑडिटोरियम तैयार किया गया। अभी परसों भी मैं वहाँ पे था, तो माघ मेला हमारा अब तो समापन हो गया है, कल 21 तारीख को, 14 तारीख से हर साल प्रारंभ होता है मकर संक्रांति के दिन से, तो वहाँ पे बच्चों का सोसाइटी ऑफ इंडिया की ओर से जो है जिलाधिकारी जी ने वो फिल्में मंगवाई थी और बच्चों को वहाँ पे वो प्रदर्शित की गई, और भी कई प्रकार की सांस्कृतिक गतिविधियाँ वहाँ होती रहती हैं, तो अच्छा एक जो है वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म वहाँ के स्थानीय कलाकारों को मिल गया है। यमुनोत्री के भटवाड़ी रोड की अगर हम बात करते हैं, वहाँ पर एक बस स्टैंड बनाने की आपने बात कही थी और बस स्टैंड के साथ साथ एक म्यूजियम भी तैयार करने का आपने वादा किया था, ये काम कहाँ तक बढ़ पाया अभी तक? नहीं, देखिए, जो भटवाड़ी रोड है उत्तरकाशी में, ये जो है गंगोत्री विधान
विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, मेरी विधानसभा क्षेत्र में। लेकिन आपने ये बात कही थी कि इस तरीके से म्यूजियम भी तैयार करेंगे वहाँ पर। नहीं, मैंने नहीं, हो सकता है गंगोत्री के विधायक जी ने कही हुई बात। ठीक है, मई 2018 की अगर हम बात करते हैं तो ग्राम स्वराज अभियान के तहत जब ये अभियान चल रहा था उस वक्त आप और टीडी से सांसद जो हैं वो इस अभियान में जुड़े थे और एक दलित के घर जाकर आपने भोजन भी किया था। क्या लगता नहीं है कि बीजेपी ऐसे ऐसे अभियान के जरिए दलितों के घर में भोजन करने के जरिए एक दलित वोट बैंक की राजनीति करने पर उतारू हो जाती है? नहीं, देखिए राजनीतिक क्षेत्र में हम लोग काम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी भी जो राजनीतिक पार्टी है तो उसका राजनीतिक प्रभाव तो अपनी जगह पे होगा ही, लेकिन उसका जो मूल कारण है, जो संदेश है, वो ये है कि समाज में समरसता लाना, सामाजिक समरसता बढ़े, समाज में एकीकरण की भावना बढ़े, उसको मजबूत करने के लिए हम लोगों ने ये किया था। और सांसद जी और मैं, दलित के घर ही भोजन क्यों? देखिए दलितों को अपने घर क्यों नहीं बुलाकर भोजन कराते हैं? नहीं, दलितों को अपने घर बुला के भोजन कराने की परंपरा तो काफी पहले से है, बुलाते हैं, लेकिन दलित के घर पे जाकर के भोजन करना ये जो है नई शुरुआत हुई। नहीं, तो ऐसा हमने कभी नहीं सुना कि बीजेपी नेता ने अपने घर दलितों को बुलाया हो और भोजन आप लोगों तो ने करवाया हो। नहीं, बीजेपी कभी हमने ऐसा नहीं सुना। नहीं, वो पॉलिटिकल उसके लिए नहीं है, क्योंकि भोजन तो हमेशा होता रहता है। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि दलितों को अपने घर पे भोजन कराने की परंपरा बहुत पहले से, कोई भी हमारा कार्यक्रम होता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम है, धार्मिक कार्यक्रम है, तो भंडारे भोज का वो होता है, आयोजन होता है, तो सबको बुलाते हैं, लेकिन दलित के घर पे जा करके उसके बनाए हुए खाने को उसके घर पे जा करके सामूहिक रूप से अपने साथियों के साथ जा करके खाने की जो परंपरा है ये नई शुरू हुई है, और न सिर्फ सांसद जी के साथ, उनके साथ शुरू की थी। परंपरा से बीजेपी क्या बताना चाहती है? हम ये बताना चाहते हैं कि भाई जो समाज में समरसता लाने का जो कार्यक्रम है इसको आगे बढ़ाया जाना चाहिए, जो इस तरह की छुआछूत या दलित के साथ जो है भेद की भावना। तो क्या सिर्फ एक दिन कर देने से या आंदोलन इस तरीके का चला देने से कुछ हफ्तों के लिए क्या असर डालेगा क्या? एक दिन नहीं, मैं आपसे बता रहा हूँ कि सांसद जी के साथ शुरुआत की थी, उसके बाद हमारे जो प्रभारी मंत्री जी थे, उस तत्कालीन प्रभारी मंत्री मदन कौशिक जी थे, उनके साथ भी जाकर के मैंने दूसरे गांव में, पौंटी गांव में दलित के घर पे जो है भोजन सामूहिक सहभोज किया था। उसके बाद अलग से मैंने अपने आप जो कार्यक्रम किया वो गंगटाड़ी गांव में जाकर के अपने सारे पार्टी के साथियों के, वहाँ पे जो स्थानीय कार्यकर्ता हैं उनके साथ में जाकर के गंगटाड़ी गाँव में दलित के घर में जो है भोजन किया। उत्तरकाशी में भी जो है हमने स्पेशली उस मोहल्ले में जाकर के एक दलित भाई के घर में अपने कार्यकर्ता जो था उसके यहाँ भोजन किया। तो ऐसा नहीं कि एक दिन भोजन किया, उसकी श्रृंखला काफी लंबी है। चलिए, सवाल जवाब का सिलसिला यहाँ पर लगातार जारी है, लेकिन फिलहाल यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं, देखते रहिए पॉइंट टू पॉइंट। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं पॉइंट टू पॉइंट और हमारे साथ यमुनोत्री बीजेपी विधायक केदार सिंह रावत जी मौजूद हैं। लगातार सवाल जवाब का सिलसिला जो है वो चल रहा है। सर, अगर हम बात करें, आप पाला बदलने में भी माहिर रहे हैं, अगर हम बात करते हैं कि 1996 तक आप बीजेपी और आरएसएस में सक्रिय रहे, 1999 में आप कांग्रेस ज्वाइन कर लेते हैं, साल 2002 में आप चुनाव लड़ते हैं लेकिन हार का सामना करना पड़ता है, क्या वजह मानते हैं इसके पीछे? देखिए, कुछ राजनीतिक कारण थे, क्योंकि बीजेपी का जन्म जो है 1980 में हुआ और पहाड़ में, देहरादून को छोड़ करके, देहरादून में उस समय नित्यानंद स्वामी जी जो है लड़ा करते थे पहले जनसंघ से, और यहाँ पे देहरादून शहर में जो है बीजेपी का प्रभाव था, लेकिन देहरादून के बाहर पहाड़ में कोई प्रभाव नहीं था। मेरे बड़े भाई साहब राजेंद्र सिंह रावत जी, स्वर्गीय राजेंद्र सिंह रावत जी, उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया और वो बीजेपी के पहाड़ में स्थापित नेताओं में से थे, और जो उत्तराखंड राज्य की जो परिकल्पना है वो भी उन्होंने ही की थी, और हम दोनों भाइयों ने 1987 में उत्तराखंड राज्य के लिए बीजेपी के झंडे डंडे के सहित यमुनोत्री में जो है 6.5 महीने की हड़ताल की थी, 5.5 महीने की। तो तब उसके बाद ही बीजेपी ने 1988 में उत्तराखंड राज्य की अवधारणा को उत्तराखंड न लेकर के उत्तरांचल प्रदेश संघर्ष समिति का गठन किया था, और राजेंद्र सिंह रावत जी मेरे बड़े भाई साहब उसमें महामंत्री थे, केंद्रीय महामंत्री, अध्यक्ष जो है शोभन सिंह जी ने जी को बनाया था। तो ऐसा नहीं है, और वो हमेशा जो है बीजेपी उनको टेहरी लोकसभा से लड़ाती थी, 1984 में भी लड़ाया, तो जब 91 में जब उनका टिकट कटा
तो काफी कुछ नाराजगी जो है हमारे कार्यकर्ताओं में हुई कि पहले से जिस आदमी ने बीजेपी के लिए इतना संघर्ष किया और पहाड़ों में बीजेपी को स्थापित किया, एंड टाइम पे कांग्रेस से जो है मानवेंद्र शाह जी को ला करके उनको टिकट थमा दिया गया, जो मानवेंद्र शाह जी 1971 से बिल्कुल नेपथ्य में चले गए थे राजनीति के, 1971 में वो हारे, उसके बाद वो घर बैठ गए थे, 20 साल बाद जो उनको लाया गया, तो सारे कार्यकर्ताओं में रिजेंटमेंट था। फिर स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने समझा करके उनका भी इस समय आप चुप रहो, सहयोग करो, 96 में जो है आपको टिकट मिलेगा। लेकिन 96 में भी जब वही रिपीट किया गया तो हमारे कार्यकर्ताओं की भावना को देखते हुए हमने पाला एकदम से नहीं बदला, हमने उत्तराखंड जनता संघर्ष मोर्चा का गठन किया था। ठीक है, तो 2002 में तो आपको हार का सामना करना पड़ा, लेकिन 2007 में फिर से कांग्रेस से जब आपको टिकट मिलता है तो जीत का स्वाद आप चखते हैं, कैसा वो सफर रहा? नहीं, निश्चित रूप से 2002 में, क्योंकि कांग्रेस को भी हमने 1999 में ज्वाइन किया था और कांग्रेस में पहले से भी स्थापित नेता लोग थे, तो आपस में जो है वो थोड़ा कन्फ्लिक्ट जो है हुआ उसका लीडरशिप का, और क्योंकि कांग्रेस लीडरशिप ने भी मुझे जो है ज़्यादा उचित पाया अपनी उम्मीदवारी के लिए, तो मुझे टिकट दे दिया। लेकिन कांग्रेस में जो अन्य हमारे दावेदार साथी थे, क्योंकि उस समय हम कांग्रेस में नए थे, 2-3 साल ही हुए थे ज्वाइन किए हुए, तो अन्य जो वहाँ स्थापित नेतृत्व था कांग्रेस का, उन लोगों ने किसी ने निर्दलीय लड़के, किसी ने बसपा से चुनाव लड़के, और बहुत कम अंतरों से मैं 1100-1200 वोटों के अंतर से हारा। ठीक है, तो क्या आप नहीं मानते हैं कि जो स्थिति आपकी बीजेपी के अंदर बना दी गई थी वही कांग्रेस के अंदर हुई और फिर उसके बाद आप फिर घर वापसी कर लेते हैं? नहीं, कांग्रेस क्योंकि देखिए हरीश रावत जी के लिए आपने पूरी कड़ी मेहनत की थी, 2016 की अगर हम बात करते, 2016 तक आपने पूरी मेहनत हरीश रावत जी के लिए की, लेकिन वो क्या वजह आप मानते हैं कि पार्टी ने आपके ऊपर भरोसा नहीं जताया, आपको टिकट नहीं दिया? पार्टी का मेरे पे पूरा भरोसा था, कांग्रेस से भी लगभग मेरा टिकट फाइनल था, लेकिन क्या वजह थी जो लेकिन आपने वजह एक वजह एक थी कि हरीश रावत जी जो है वो पीडीएफ के जो लोग थे, प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक फ्रंट जिन लोगों ने बनाया था, मंत्री प्रसाद नेथानी जी वगैरह, ये जो मंत्री थे मेरे अगेंस्ट जो जीत करके आए थे 2012 में, प्रीतम पंवार जी जो मंत्री रहे हैं, वो भी उस पीडीएफ का हिस्सा थे और हरीश रावत जी के पीडीएफ से जो है करीबी संबंध हो गए थे। तो मुझे ये कहीं ना कहीं आशंका थी कि अगर मुझे टिकट भी दे दिया गया, महसूस होने लगा, हाँ, टिकट भी दे दिया गया, तो हरीश रावत जी अंदर खाने प्रीतम पंवार जी का साथ देंगे, तो मैंने ये न कह के फिर मेरे कार्यकर्ताओं ने भी, मेरे समर्थकों ने भी और जनता ने भी ये कहा कि नहीं, आप अगर बीजेपी आपको टिकट देती है तो उसको आप मना मत करिए, क्योंकि यहाँ से ऐसा है, कुछ लोगों से हमें संकेत मिला है कि आपके साथ जो है अंदर खाने भीतर घात हो सकता है। अच्छा। तो इस उसमें मैंने जो है ये निर्णय, ठीक है, पाला बदलने का फैसला आपका था या वाकई किसी की तरफ से ये फोर्स किया गया था, क्योंकि ये कहा जाता है कि पैरवी की गई थी और पूरी इसमें जो नाम जो पूरे तरीके से सामने आ रहा है वो हरक सिंह रावत का सामने आ रहा है? नहीं, देखिए ऐसा है कि अगर मुझे हरक सिंह जी या विजय बहुगुणा जी के साथ जाना होता तो मैं उनके साथ 2016 जनवरी में चला गया होता, मैं तो 2017 जनवरी में गया। सरकार को हिलाने का ये बात अलग है कि जब मैं लगातार जो है कांग्रेस की तरफ से प्रचार कर रहा था और प्रचार अभियान में भी जुटा हुआ था, लेकिन इतनी आशंका मेरे कार्यकर्ता भी जो है व्यक्त कर रहे थे कि कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस के लीडरशिप की ओर से चुनाव में जो है आपके साथ धोखा हो सकता है, और क्योंकि कार्यकर्ता कि टिकट नहीं दिया जा सकता, नहीं टिकट के लिए तो आश्वस्त किया गया था ऊपर कांग्रेस के हाईकमान के द्वारा, लेकिन ऐसा ये था कि प्रीतम पंवार अगर निर्दलीय लड़ेंगे तो जो हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत जी थे वो उनका पक्ष लेंगे, और जिस तरह से यहाँ पर हुआ जब मैंने पाला बदला तो ये स्थिति जो है धनोल्टी विधानसभा में हुई कि टिकट जो है मनमोहन मल को दे दिया गया लेकिन समर्थन जो है प्रीतम पंवार का किया गया, तो इस आशंका से मेरे कार्यकर्ता भी ग्रसित थे और वो 2012 की हार से बहुत विक्षुब्ध थे और वो नहीं चाहते थे हार का मुंह देखना, तो क्या 2016 जीत देखना, तो क्या 2016 से पहले भी कांग्रेस के अंदर रहकर आपको कभी ऐसा महसूस हुआ कि आपको सपोर्ट पार्टी की तरफ से या हरीश रावत की तरफ से नहीं मिल रहा है?
नहीं, जहाँ तक पहले की बात नहीं, मैं जब कांग्रेस में था तो एक जो है एक मजबूरी भी समझिए, सिद्धांतता भी समझिए कि जिस पार्टी में आप हैं, जिस बैनर के तले आप काम करते रहिए, तो सपोर्ट मिलने न मिलने की बात नहीं थी, क्योंकि गलत फहमियाँ जो है दूर हो गई थी कि मीडिया और प्रेस जो है किस बयान को किस तरह से जो है वो प्रचारित करती है, तो वो सारी बात बाद में आ गई थी। लगता कि ये बातें जो नेता, जैसे कि आप भी कह रहे हैं कि मीडिया गलत प्रसारित करता है, मीडिया वही गलत है नहीं जो नेता बयान देते हैं। नहीं, अब देखिए किस परिप्रेक्ष्य में तोड़ मरोड़ कर बयान को पेश किया जाता है। वो तोड़ मरोड़ को किया जाता है और व्याख्या जो है उसकी किस तरह से की जाती है, क्या आशय रहता है नेता का बोलने का, और क्या जो है मीडिया उसकी व्याख्या कर देती है, किस तरह से जो है तोड़ मरोड़ के पेश कर देती है, लेकिन वो मत भिन्नता वाली कोई बात नहीं है। हाँ, जहाँ पे लीडरशिप है वहाँ पे थोड़ा सा वो हो सकता है, लेकिन कोई मन भेद नहीं है, कोई इस तरह की वो नहीं है जैसे कि कांग्रेस में। तो कांग्रेस में तो अलग अलग धड़े, अपने अपने धड़े के अपने अपने लीडर हैं, कोई एक दूसरे की बात सुनने को तैयार नहीं, ऐसा यहाँ बीजेपी में नहीं। ठीक है, लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की क्या कुछ रणनीति है, किस तैयारी पर बीजेपी लग चुकी है? बहुत जोर शोर की तैयारी पूरे प्रदेश में, पूरे देश में चल रही है। अभी हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन भी था, हम लोग भी उसमें शामिल हुए 11 और 12 को दिल्ली में। ठीक है, लोकसभा चुनाव के लिए आपके भी कई जो मंत्री हैं यहाँ पर, वो भी महत्वाकांक्षा रख रहे हैं, टिकट का जो सपना है वो देख रहे हैं, तो क्या ऐसे में नहीं लगता है कि पार्टी के अंदर एक बार फिर से अंतर्कलह जो है वो निकल कर सामने आ सकती है? नहीं, अंतर्कलह वाली कोई बात नहीं, हो सकता है महत्वाकांक्षाएं हों, और महत्वाकांक्षा होती है राजनीति में, जो आदमी आएगा प्रत्येक कोई ना कोई उद्देश्य लेकर के आता है, तो किसी का उद्देश्य रहता है मैं पार्षद का टिकट मिल जाए, किसी का रहता है प्रधान का मिल जाए, किसी का रहता है ब्लॉक प्रमुख का मिल जाए, मैं कोऑपरेटिव का बैंक का अध्यक्ष बन जाऊँ, मैं ये बन जाऊँ, मैं विधायक बन जाऊँ, मैं सांसद बन जाऊँ, तो ये महत्वाकांक्षा। अब महत्वाकांक्षा तो नहीं, राजनीति में तो महत्वाकांक्षा होती है, बिना महत्वाकांक्षा की तो राजनीति होती भी नहीं है, लेकिन अति महत्वाकांक्षा नहीं होनी चाहिए और ये स्वाभाविक है। तो आखिर में जो है जो हाईकमान का निर्णय होगा, जो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व जो है निर्णय करेगा, उस पे जो है सब लोग। ठीक है, त्रिवेंद्र सरकार के कामकाज को कैसे देख रहे हैं? नहीं, बहुत संतुष्ट हूँ मैं कामकाज से सरकार के। मैं अभी भी आपसे निवेदन कर चुका था कि मैं 2 बार माननीय मुख्यमंत्री जी का दौरा अपने क्षेत्र में करवा चुका हूँ, और हमारे जनपद मुख्यालय में भी वो 2-3 बार आ चुके हैं, और 2017 से लेकर के अब तक जो है लगभग मैं पहले ही बता चुका हूँ, 3 दर्जन रोडें जो है वो नई घोषित हुई हैं, तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। 3 दर्जन आगे भी जो है मुझे उम्मीद है कि वो 10 करोड़ रुपए उन्होंने कहा है हर साल देंगे, और भी जो है कार्यक्रम, चाहे वो मिनी स्टेडियमों के 3 मिनी स्टेडियम, सामुदायिक विवाह केंद्र, बहुद्देशीय झील आदि आदि करके, और डिग्री कॉलेज के भवन और उनमें विस्तार, विषयों का विस्तार, फैकल्टीज़ का विस्तार, ये सारी बातें हुई हैं। तो मैं समझता हूँ स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, ये जो है बेसिक जो विकास की अवधारणाएं हैं, उनको जो है सरकार उस पर जो है खरा उतर रही है, तो बहुत अच्छा कार्यकाल में। चलिए, बहुत शुक्रिया सर अपना समय हमें देने के लिए। तो इसी के साथ पॉइंट टू पॉइंट में आज मेरे साथ बस इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।